हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा जो अभी ये जो डीमोनेटाइजेशन का जो दौर चला हुआ है उस दौर में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है कॉल्ड भीम। इंडियन गवर्नमेंट है लॉन्च एड एप्लीकेशन नेमली भीम दैट कैन यूज फॉर ट्रांसफ़र मनी। मनी ट्रांसफ़र के काम आता है और पैसे लेने के पैसे देने के काम आता है, और वो किसी भी बैंक का आपका अकाउंट हो, आइदर दैट इज़ SBI और एनी बैंक, यू कैन यूज़ दिस ऐप ट्रांजेक्ट योर मनी और टू टेक मनी और टू गिव मनी। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाना है और इस ऐप को डाउनलोड करना है। ये प्ले स्टोर है, मैं इसको ओपन करता हूँ। इन द सर्च कॉलम दिस टाइप भीम BHIM, दिस इज भीम। यू कैन सी दिस, दिस इज द न्यू पेमेंट ऐप डिजाइन बाय द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यू कैन डाउनलोड दिस पेमेंट ऐप। ये भारत सरकार का एक नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया हुआ एक ऐप है और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी मैं इस ऐप को डाउनलोड करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो भीम का ऐप है ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। गूगल प्ले पे जाएंगे और सर्च करेंगे भीम ऐप का ऐप, तो डाउनलोड हो जाएगा। अब चूँकि ऐप मैंने पहले से डाउनलोड कर चुका है, तो इसमें ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे इसको ओपन करेंगे, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, वेरी गुड अर्थ। जस्ट वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, जिसमें जिस मोबाइल नंबर, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर जो बैंक में रजिस्टर्ड होता है उस मोबाइल नंबर को इस पर ऐड करना है। जैसे मेरा जो सिम है, जो सिम 2 है एयरटेल का, वो मेरे मोबाइल में रजिस्टर्ड है मेरे मोबाइल बैंकिंग के लिए, नेट बैंकिंग के लिए मेरे ब्रांच में। तो मैं सिम 2 पे क्लिक करके नेक्स्ट कर रहा हूँ। अगर आपका सिम 1 में है तो आप उस पर क्लिक करें। तो ये क्या करता है, एक मैसेज भेजता है आपके करस्पॉन्डिंग बैंक को, और देन आफ्टर योर मोबाइल इज़ वेरीफाइड, आपको मोबाइल वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आपसे रजिस्टर्ड पासकोड मांगने के लिए बताता है, ठीक है। तो आप इसमें पासकोड डालें, देन आफ्टर कंफर्म पासकोड मांग रहा है, कंफर्म पासकोड डाल दिया, पासकोड सेट सक्सेसफुली। देखिए, जैसे सक्सेसफुली किया, आपके पास ये ऑप्शन आ गया ट्रांसफ़र मनी का, भारतीय स्टेट बैंक का आ गया। आप इसमें आराम से अपना पे जो भी पेमेंट ट्रांसफ़र करना हो, रिसीव करना हो, यदि किसी को मनी सेंड करना है, देन क्लिक ऑन द सेंड। सबसे पहले आपको UPI पिन एक सेट करना पड़ेगा। UPI पिन सेट करने के लिए आपको लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर डेबिट कार्ड डालना है, देन आफ्टर वैलिड अप टू डालना है, देन आफ्टर यू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आपका UPI पिन सेट हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, किसी को मनी सेंड कर सकते हैं और मनी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्टेट अकाउंट प्रोफाइल, ये आपका प्रोफाइल है, ये देखिए इसमें QR कोड आ रहा है। ये QR कोड है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये आपके बैंक अकाउंट का QR कोड है। आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। जैसे कोई अगर आप दुकान चला रहे हैं तो डाउनलोड करके आपने दुकान के बाहर लगा दिया, लोगों ने इसको स्कैन किया और आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है, भारतीय सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा काम शुरू किया गया है। इस ऐप को ज़रूर उपयोग करें और लोगों को बताएं, इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें। इसके रिगार्डिंग बहुत सारी नॉलेज आपको मिलती रहेगी। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू।